काश्मीरवासी मोदी संबोधन कहले तीन राजनैतिक दल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं पीडीपी रो राजनीति बंद करने को बीजेपी को वोट दियो। आपको कमल के निशान को चुनना हो। ए अवसर रे मोदी कहिछन्दि जम्मू काश्मीर को आतंकवादी मुक्त करा जिवो। काटरा रे एक जनसभा को संबोधित करि मोदी कहिछन्दि वोट बैंक व्यतीत कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं पीडीपी आउ किछि देखन्दि नाही। तेणु वर्ष वर्ष धरी जम्मू और काश्मीर मध्य विभेद को अधिक बढ़ई जम्मूवासी से सब अवहेला करें जम्मूवासी को मुख्य स्रोत को आनीचु। वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस को जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। पाकिस्तान रो जहाँ एजेंडा रोची नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस रो समान एजेंडा रोची तेरे से लक्ष्य पूरण होगा आम देवुना मोदी कहते। जम्मू काश्मीर युवपीढ़ी गणतंत्र उपर विश्वास आोट द्वारा परिवर्तन बोली युवपीढ़ी चिंता करोजगार जोगाइबा सहित दक्षता विकास में बीजेपी सरकार सहायक हो बोली मोदी कहते। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहाँ वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है। जम्मू काश्मीरवासी विशेषकर युवपीढ़ी को स्वार्थ साधन पर बीजेपी सरकार सब चेष्टित बोली कहते मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।